अजमेर में हॉटस्पॉट बने मुस्लिम मोर्चे मोहल्ले में से एक बार फिर 10 मरीज सामने आए। इन सभी की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन दूसरी रिपोर्ट में यह पॉजिटिव आए। मुस्लिम मोर्चे मोहल्ले से जुड़े इन मरीजों की संख्या बढ़कर अब 100 तक पहुंच गई है। यह संख्या अजमेर चिकित्सा महकमे के साथ ही प्रशासन के लिए मुसीबत बनी हुई है। अजमेर में सबसे बड़ी मुसीबत बना मुस्लिम मोर्चे मोहल्ले में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अजमेर में आज एक बार फिर सुबह 9 बजे की रिपोर्ट में 11 मामले सामने आए हैं। इसके बाद अजमेर का आंकड़ा बढ़कर 123 पहुंच गया। अजमेर CHMO के सोनी के अनुसार ये सभी पहले से ही ख्वाजा मॉडल स्कूल में क्वारंटाइन किए गए थे। इसके अलावा क्षेत्र में लगातार जांच व स्क्रीनिंग का कार्य किया जा रहा है। हाँ, सर कहाँ पे कितने मामले अब आए हैं और क्या? देखिए, अभी जो मोचे मोहल्ले के हमने 343 सैंपल्स लिए थे, जिसमें 79 पॉजिटिव आए थे, नेक्स्ट जो बाकी थे वो नेगेटिव थे। तो वो नेगेटिव में से वापस रिसैम्पलिंग करें, उनमें से 10 पॉजिटिव आए और ये सारे के सारे हमारे क्वारंटाइन सेंटर में, फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर में ही है। कुल कल हमारा 312 था, आज हमारा 10 और आज एक और जो पॉजिटिव आया वो बलराज का कॉन्टेक्ट है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में अजमेर जिला चौथे स्थान पर पहुंच गया है। लगातार बढ़ रहे मामलों से अजमेर वासियों की चिंता बढ़ने लगी है। अजमेर में हॉटस्पॉट बने मुस्लिम मोर्चे मोहल्ले में कोरोना वायरस मामलों की संख्या भी 100 तक पहुंच गई है। इसे लेकर जिला पुलिस प्रशासन के साथ ही चिकित्सा विभाग मुस्तैद है और उसे रोकने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। डॉक्टर KK सोनी ने बताया कि इस मामले से बचने का एक ही इलाज है, वह है सोशल डिस्टेंसिंग, और इसके लिए लोगों से कई बार अपील की गई, लेकिन फिर भी लोग लगातार एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, जिसके कारण यह मामले बढ़ रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था है, कितना वहाँ पे? देखिए, ये हमारा पुराना ही कंटेनमेंट जोन है, जिसके अंदर से केसेस निकले हैं। दूसरे कंटेनमेंट से कोई केसेस तो नहीं आए हैं। कोशिश यही है कि इसको फैलाव को हम रोक सकें। उसके अंदर आपके मीडिया के माध्यम से हम पुनः वापस सबसे अपील करना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। किसी को भी कोई भी सिम्टम्स हो तो उसको छुपाए नहीं, तुरंत चिकित्सा सलाह लें, तुरंत हमें फ़ोन कर दें, हमारे कंट्रोल में फ़ोन कर दें, मुझे फ़ोन कर दें। हमारी स्क्रीनिंग टीमें लगातार उनके संपर्क में है, लगातार उनके घर जा रही हैं, लगातार उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि आपके घर में कोई सर्दी बुखार जहाँ पीड़ित तो नहीं है, तो उसमें पूरा सहयोग करें। और जब तक देखिए, अभी जो निकले हैं केसेस, ये सारे परिवार के परिवार हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि आपस में नहीं मिला, सोशल डिस्टेंस पालना की जाती तो इतने केसेस निकलती थी। चिकित्सा विभाग को जितने भी निर्देश राज्य सरकार द्वारा मिले हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री के जो निर्देश हैं, उनकी कड़ाई से पालना करते हुए जितना मैक्सिमम हम केसेस को आइसोलेट कर सकते हैं उनको आइसोलेट कर रहे हैं। और जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं या जो सिम्टोमेटिक हैं, उनके रेंडम सैंपल्स लेके उनके भी नियंत्रण जांच करके ये व्यवस्था देख रहे हैं कि इनका कोई और ज़्यादा फैलाव तो नहीं है। सर, नंबर और फिगर की बात करें, देखिए फिगर्स के अंदर बात फिगर्स के नहीं है, बात केसेस के डिटेक्शन की है। हम अगर सैम्पलिंग्स बढ़ाएंगे भी तो टेस्ट भी आएंगे, और आपको ये बता दूं कि अधिकांश ये जो है ये सिम्टोमेटिक हैं। तो बात फिगर्स की नहीं है, फिगर्स से डरने की बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं। लोग अपने आप को आराम से ये सोच रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, वो जो छुपाना, और हम सब ठीक हैं, और ये प्रवृत्ति बार बार की लॉकडाउन को देखने जा रहे हैं, कर्फ्यू, बिना काम के बाहर निकल रहे हैं, ये जब तक नहीं रोकेंगे जब तक काफी हमें दिक्कतें आती हैं। अजमेर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का गृह जिला है, जिसे लेकर अजमेर में सतर्कता और तेज करते हुए पुलिस प्रशासन ने भी 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया है। लेकिन हॉटस्पॉट बने मुस्लिम मोर्चे मोहल्ले में लोगों की लगातार बढ़ रही संख्या जिला प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर रही है।